आज हम बात करेंगे अपने लॉजिकल ऑपरेटर एंड इफ फॉर्मूले के बारे में। तो कल्याण जगताप जी हमारे साथ हैं। कल्याण जी के साथ हम शुरू करने जा रहे हैं अपना लॉजिकल कंडीशंस या लॉजिकल ऑपरेटर साथ में इफ फॉर्मूले के बारे में हम जानेंगे। जैसे कि सबसे पहले जानिए कि आपने मैथमेटिकल ऑपरेटर पढ़ा था कि इस तरह से माइनस प्लस डिवाइड मल्टीप्लाई एंड पावर, दे आर द मैथमेटिकल ऑपरेटर, राइट? यस। लेकिन यहाँ पे हमारे पास कुछ लॉजिकल ऑपरेटर भी होते हैं, जैसे इक्वल, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू, दे आर द लॉजिकल ऑपरेटर। अब लॉजिकल ऑपरेटर की जरूरत क्या होता है? अब जैसे कि मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे कुछ सेल्स के फिगर डाले, इस तरह से हम कुछ सेल्स के फिगर्स डाले। अब सेल्स के फिगर में मुझे चेक करना है कि कौन कौन से सेल्स जो है वो ग्रेटर देन 50 है। जस्ट मुझे चेक आउट करना है कि कौन कौन से सेल ग्रेटर देन 50 है। हमें कुछ नहीं करना है, इसको सिलेक्ट करके ग्रेटर देन 50 प्रेस कर देना है। हमने क्या किया, हमने जस्ट यहां पे इक्वल इसको सिलेक्ट किया और ग्रेटर देन का साइन दिया और 50 लिख दिया, तो रिजल्ट जो है यहां पे ट्रू और फॉल्स में आ गया। रिजल्ट जो है ट्रू एंड फॉल्स में आ गया। तो जनरली क्या होता है हमारा रिजल्ट, इसके लिए जनरली लोग क्या करते हैं, वो इफ का फॉर्मूला लगाते हैं, इफ का फॉर्मूला लगाते हैं। तो इसका फॉर्मूला जस्ट चेक करने के लिए नहीं है कि ग्रेटर देन 50 है या नहीं है, वो चेक करने करता है कि जो ट्रू है, ट्रू के जगह पे कोई और रिजल्ट और फॉल्स के जगह पे कोई और रिजल्ट देता है। जैसे कि हमने यहां लगाया कि इफ यहाँ पे इक्वल, इफ इसको सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे ओके अदरवाइज पेंडिंग, ओके। तो ट्रू फॉल्स को आपको अपने रिजल्ट में कन्वर्ट करना है तो हम इस्तेमाल करते हैं इफ का फॉर्मूला। लेकिन ट्रू फॉल्स जो है आपका ये जो एंड जो लॉजिक ऑपरेटर एंड एंड और दोनों मेथड में चलता है और यहां पे आपको जो है ट्रू एंड फॉल्स देता है। लेकिन जनरली क्या होता है, लोग इफ का फॉर्मूला यहां लगाते हैं, डायरेक्टली यहां देते हैं ग्रेटर देन 50 एंड ओके अदरवाइज पेंडिंग, अदरवाइज पेंडिंग। तो ऐसा इसलिए हुआ, यहां पे बहुत सारे लोग समझते हैं कि हमने यहां पे दो फॉर्मूले को मर्ज कर दिया। अब बात सही भी है, कुछ लोग समझते हैं कि नहीं, दिस लॉजिकल जो ऑपरेशंस है पार्ट ऑफ द इफ, लेकिन ध्यान रखिएगा ये पार्ट ऑफ द इफ नहीं है। एक किसका पार्ट है, इंडिविजुअल है, हमने इफ में इसको यहां पे कंसीडर किया हुआ है, राइट सर? अब यहां पे ध्यान रखिएगा कि जो ट्रू है और जो फॉल्स है, आप जब टाइप करते हैं तो टाइप करते ये कैपिटल लेटर में कन्वर्ट हो जाता है क्योंकि रिकॉग्नाइज्ड वर्ड है, और ट्रू टाइप करते हो ऑटोमेटिकली वो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, फॉल्स टाइप करते उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। इसको साबित करने के लिए आप दोनों को प्लस करेंगे तो रिजल्ट 1 आएगा, जब ट्रू अगर आप दो ट्रू कर देंगे तो रिजल्ट ट्रू आएगा। तो यहां पे आपके सामने ये चीजें हैं। सॉरी, आपने क्या बोला, सम करते हैं तो? देखिए मैंने यहां पे इसको सम कर दिया तो अभी रिजल्ट 1 आ रहा है ना, ट्रू 1 है, फॉल्स 0 है, लेकिन जब दो ट्रू कर देंगे तो यहां पे 2 आ गया। कोई अगर इस चीज को मानने को तैयार नहीं है, बोले कि नहीं ऐसा नहीं होता है, तो आप इसको इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, राइट सर? ओके। ये एग्जांपल देने के का पर्पस ये है ताप जी कि ये जो प्लस, ये जो इक्वल, ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन जो है बिल्कुल प्लस माइनस की तरह इंडिविजुअल है, स्वतंत्र है, इसको कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? इफ एंड ऐसे जो फॉर्मूले में इसका इस्तेमाल करते हैं या कंडीशन फॉर्मेटिंग में इस्तेमाल करते हैं तो वहां पे हम इसको इस्तेमाल करते हैं, न कि उसका पार्ट है।
क्लियर है। यस। अब यहां पे हम दूसरे एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा एग्जांपल हमारा इफ से रिलेटेड है, तो चलिए पहले हम समझते हैं इफ फॉर्मूला क्या करता है या फिर कोई फॉर्मूला कैसे अप्लाई करेंगे। देखिए फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए आप इक्वल प्रेस करके अपनी फॉर्मूला शुरू कर सकते हैं या फिर आप जो है प्लस से भी शुरू कर सकते हैं। हालांकि शुरू तो माइनस से भी होता है, बट माइनस से रिजल्ट माइनस में चले जाते हैं, इसलिए माइनस रिकमेंडेड नहीं है। तो प्लस से भी आप फॉर्मूला शुरू कर सकते हैं और इक्वल से भी शुरू कर सकते हैं। फॉर्मूला का पहला वर्ड लिखिए, जिसमें मैंने लिखा आई, तो फॉर्मूला से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले, उस वर्ड से स्टार्ट होने वाले जितने भी फॉर्मूले, उस लेटर से स्टार्ट होने जितने भी फॉर्मूले हैं सब आ जाएगा। आपको फॉर्मूला सेलेक्ट करना है। जैसे फॉर्मूला सेलेक्ट करेंगे यहां पे उस फॉर्मूला का डेफिनेशन आ जाएगा, फॉर्मूला क्या करता है, क्या रिटर्न करता है वगैरह वगैरह, एक शॉर्ट नोट्स में आ जाएगा। आपको टैब प्रेस करना है, अपने कीबोर्ड का टैब की प्रेस करेंगे तो फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। फॉर्मूला अप्लाई होने के बाद नीचे जो आ रहा है उसको बोलते हैं साइंटेक्स। सर अभी लास्ट 30 सेकंड्स आपका वॉल्यूम चला गया था। ओके सर, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। यहाँ पे आपको अगर मान लीजिए फॉर्मूला अप्लाई करना है कोई भी, तो आपको इक्वल प्रेस करना है, उसके बाद उस फॉर्मूला का लेटर आप यहाँ पे लिखिए, उस लेटर या उस वर्ड से स्टार्ट होने वाले फॉर्मूले की लिस्ट यहाँ जाएगी। आप एरो की से डाउन और एरो की से नेविगेट करके आप इसको सिलेक्ट कर लें, और सिलेक्ट करके जैसे आप टैब प्रेस करेंगे फॉर्मूला अप्लाई होगा। और सिलेक्ट करने से पहले जो जिस फॉर्मूले को आप सिलेक्ट करेंगे वो फॉर्मूला यहाँ पे उसकी शॉर्ट डेफिनेशन आपको यहाँ पे दिख जाएगी। टैब प्रेस करें, टैब प्रेस करते यहाँ पे फॉर्मूला का साइंटेक्स आ जाता है। ठीक है, अब साइंटेक्स में देखिए क्या है, लॉजिकल टेस्ट, वैल्यू ट्रू, वैल्यू फॉल्स, तीन चीज दिख रहा है, मतलब इसके अंदर तीन इनपुट्स होंगे। तो फंक्शन क्या है, आप अपना इनपुट डाल दीजिए, उसको अपने कंडीशन के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करके आपको आउटपुट दे देगा। ठीक है, अब यहाँ पे छोटी सी प्रॉब्लम है, ध्यान रखिएगा, प्रॉब्लम नहीं एक इंफॉर्मेशन है। देखिए आप देखिए लॉजिकल टेस्ट तो नॉर्मल है, वैल्यू ट्रू और वैल्यू फॉल्स को स्क्वायर ब्रैकेट में रखा गया है। फॉर्मूला के जिस पार्ट को हम स्क्वायर ब्रैकेट में रखते हैं उस पर अगर एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के बगैर जो है वो आपका रिक्वायर्ड है, वो आपको डालना ही पड़ेगा। जब तक उसको नहीं डालेंगे, कॉमा से पूरा होता है, तब तक आप फॉर्मूला से बाहर नहीं आ सकते। वैल्यू ट्रू वैल्यू फॉल्स यहाँ पे दिख रहा है आपको, वो क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट में, इसका मतलब ऑप्शनल है, उसको डालने की जरूरत नहीं है। डालिएगा तो उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट आएगा, नहीं डालिएगा तो डिफॉल्ट रिजल्ट आएगा। जैसे यहाँ पे देखिए डिफॉल्ट आ रहा है, राइट। यस, अब चलिए इफ फॉर्मूले को समझते हैं कि हमारा इफ फॉर्मूला कैसे अप्लाई होता है। इफ फॉर्मूले में सिंपल सा इफ का फंडा सिंपल है कि यहां पे ट्रू दीजिए, ट्रू दीजिएगा तो ये दिखेगा, अदरवाइज आपको ये दिखेगा। मैं ट्रू होगा तो इसको दिखाएगा, सिंपल सा है कि इसके अंदर ट्रू हुआ तो आपका पहला पार्ट शो करेगा ए वाला पार्ट, और फॉल्स हुआ तो इस वाला पार्ट शो करेगा। इसी पे पूरा पैटर्न बना हुआ है। चलिए कुछ छोटे छोटे स्टेप को जानते हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने यहां पे सेल्स दे दिए, सेल्स में हमने कुछ फिगर्स, अब मैं चाहता हूं कि यहां पे इंसेंटिव निकालना, और इंसेंटिव ये है कि जो ग्रेटर देन 50 है उसको हमें देना है 100, और जो लेस देन 50 है उसको देना है 50। ठीक है, तो यहां पे हम इफ का फॉर्मूला लगाते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं, कंडीशन देते हैं कि क्या लेस देन 50 है। अगर लेस देन 50 है तो यहाँ पे 100 शो करो, अदरवाइज 50 शो करो, नहीं मोर देन 50 है तो, हाँ सॉरी, हाँ यहाँ कंडीशन हमने उल्टा लगा दिया, तो ए टू इज ग्रेटर देन 50 तो 100, अदरवाइज 50। तो ए टू का इसको इन्वर्टर कॉमा में रखने की जरूरत नहीं है ना। इन्वर्टर कॉमा में कब रखना पड़ता है, जब रिजल्ट आपका टेक्स्ट होता है, एबीसीडी होता है, नंबर या कोई सेल एड्रेस को इन्वर्टर कॉमा में रखने की जरूरत नहीं।
A2 is greater than 50 तो 100 हो, otherwise 50 हो. हमने enter press किया तो यहाँ पे देखिए 100 आ गया. नीचे drag कीजिए. तो ये फॉर्मूला कैसे परफॉर्म किया, इसको समझने के लिए फॉर्मूला मेनू बार के अंदर आपके सामने होता है एवलेट फॉर्मूला, इस पे हम जाते हैं. एवलेट फॉर्मूले में आप यहाँ देखिएगा, इस पे क्लिक कीजिएगा तो पहले A2 से वैल्यू लिया गया 85, देन लॉजिकल ऑपरेटर ने अपना ऑपरेशन दिखाया, यहाँ पे आपको रिजल्ट दिख रहा होगा ट्रू. अब इफ ने चेक किया कि ट्रू है तो ये क्या करेगा, इफ का सिंपल है, अगर ट्रू हुआ तो इस वाले को शो करेगा, नहीं तो फिर एल्स वाले को शो करेगा. राइट right? yes. ये आपका यहां पे हम एवलेट करके क्लोज कर दी, रिजल्ट आ गया. ओके, सो दिस इवेलुएट फॉर्मूला इज जस्ट टू चेक हाउ द फॉर्मूला इज ऑपरेटिंग स्टेप बाय स्टेप. अब यहां पे जैसे मान लीजिए कि हमने कुछ नेम हमने यहां पे दिया हुआ है और नेम मेरा मान लीजिए रिपीटेड नेम हमारा रिपीटेड अथवा से कम कर देता हूं. इसको मैंने क्या किया, होम मेनू बार के अंदर हमारे पास शॉर्ट होता है ना, हमने शॉर्ट कर लिया. शॉर्ट करने के पीछे रीजन ये है कि सारे नाम इकट्ठा आ जाए. अब मुझे अभी हालांकि मेरे पास तरीके तो बहुत सारे हैं, मुझे हर का एक ही नाम उठाना है, मतलब कि मुझे अकाउंट लेने हैं, लिस्ट ऑफ फिल्टर लगाना है. तो कैसे लगा, क्योंकि यहाँ तो रिपीटेड है ना, कि अगर ये दोनों नाम इकट्ठा है तो यहाँ पे डी शो करे, अदरवाइज क्या शो करे, यू शो करे. ठीक है, डी या यू. तो यहाँ पे हम इफ फॉर्मूला लगाते हैं, सामने वाली वैल्यू इक्वल टू है अपने ऊपर वाली वैल्यू से, तो यहाँ पे डी हो जाए अदरवाइज यू हो जाए. ध्यान से देखिएगा हमने क्या किया, हमने बोला अगर इफ जे टू इज इक्वल टू वन तो डी अदरवाइज यू. मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूं ताकि फॉर्मूला आप लोगों का क्लियरली दिख जाएगा. ओके सर, अब इसको जब नीचे की तरफ हम ड्रैग करेंगे तो क्या होगा, जब ड्रैग करेंगे तो जे टू और जे वन जे थ्री और जे टू में कन्वर्ट होगा, इंक्रीज होगा, इंक्रीज होके आया यार जे टू से जे थ्री, अजीत अजीत दोनों बराबर है इसलिए क्या आगे डी आएगा, डुप्लीकेट आएगा क्योंकि ए जो है ट्रू देगा, ट्रू दिया इसलिए डी शो करेगा. ऊपर वाले में क्या था कि नेम और अजीत दोनों इक्वल नहीं है तो ये फॉल्स आया, इसलिए इसने फॉल्स वाले सेक्शन यू को शो किया. और इसी तरह से नीचे हम ड्रैग कर देंगे तो नीचे आप देखिए यहाँ पे क्या हुआ, जैसे अजीत का खत्म हुआ देव आया वहां पे यू आ गया. अब मैं आसानी से फिल्टर लगा के यू वाले को ले सकता हूं क्या. अबे ये वीडियो जो मान लीजिए मैं यूट्यूब पे डालूंगा तो बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर बोलेंगे सर इसके लिए तो यूनिक का फॉर्मूला था, रिमूव डुप्लीकेट था, फिल्टर यूनिक था. लेकिन यहां हम इफ पढ़ रहे हैं, इफ को समझने के लिए आपको मैंने बताया. Okay. अब यहां अगला ऑप्शन आता है कि मुझे यहां सीक्वेंस देना है 1 2 3 4 इस तरह से 5 6, और जैसे नाम खत्म हो तो वापस 1 से शुरू हो जाए. तो यहां पे हम क्या करेंगे, इक्वल इफ, इफ में हमने बोला सामने वाला नाम अगर अपने ऊपर वाले नाम से बराबर है तो अपनी ऊपर वाली वैल्यू में जैसे कि L2 में तो यहां हमने L2 और L1 L2 नहीं करेंगे L1 प्लस 1 नहीं L1 नहीं हमने गलत दिख गया ना यहाँ पे J2 इक्वल टू J1 ऐसा हो तो L1 प्लस 1 अदरवाइज 1. तो अभी क्या है, अजीत और नाम बराबर नहीं है तो ये क्या करेगा, 1 से शुरू कर देगा, शुरू कर दिया. लेकिन जैसे फॉर्मूला को नीचे ड्रैग किया तो क्या होगा, J2 एंड J3 आपस में बराबर है इसलिए L2 और प्लस L1 में इसने प्लस 1 करके सीक्वेंस को फॉलो कर दिया.
और सेम ये नीचे तक चलेगा, जैसे यहां इंद्र, यहां पे देव आया, अजीत खत्म होगा, देव होगा, तो यहां पे देखिए इसने अपना रिजल्ट अपग्रेड कर लिया, वन से शुरू हो गया। अब सीक्वेंस फ्रीक्वेंसी करेगा कितनी बार एक, हाँ मतलब कि सब कुछ एक सीरियल नंबर दे देगा। अब सीरियल नंबर की बात चल रही है तो यहाँ पे हम सीरियल नंबर में एक चीज और करना चाहते हैं, जैसे कि मैं यहाँ सीरियल नंबर में कुछ टाइपिंग करता हूँ, जैसे हमने नेम लिखा, तो मैंने क्या करना, और भी डेटा होगा, एड्रेस वेड्रेस और भी बहुत सारे डेटा यहाँ हो सकते हैं, लेकिन जैसे मैं वन लिखूंगा और फिर यहाँ पे पूजा लिखूंगा, फिर टू लिखा, फिर मैं मोहन लिखा, थ्री लिखा, ऐसे ही क्या है मुझे नंबर देना है, फिर नाम लिखना है। हम चाहते हैं कि मेरा नंबर ऑटोमेटिकली आए, मुझे बार बार देने की जरूरत नहीं है, समझ गए? तो यहां पे हम फॉर्मूला लगाएंगे कि इफ सामने वाली वैल्यू अगर ग्रेटर देन जीरो है, हमने जीरो क्यों किया, क्योंकि ब्लैंक सेल बाय डिफॉल्ट जीरो होता है, तो ब्लैंक ना हो मतलब कुछ टाइप हो, इट मींस ग्रेटर देन जीरो, तो ऊपर वाली वैल्यू में प्लस वन कर देना, अदरवाइज ब्लैंक, समझे? अब इसको कर्सर से नीचे की तरफ ड्रैग कर लेते हैं। अब मैं यहां पे देता हूं मोहन, मैं देता हूं इंदर, मैं देता हूं कविता, मैं देता हूं उदय, ठीक है, पूजा आ गया सर। अब यहां पे एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि जैसे एक कर्सर छोड़ के मैं यहां पे ओम लिखता हूं तो एरर आ जाता है, आ गया सर? अब आपको इसी पे वर्क करना है और मुझे कल तक इसमें देना है कि ये एरर क्या करूं जो एरर ना आए, पहले एरर क्यों आया इसको समझना है और क्या करूं जो एरर ना आए इस पे रिसर्च करना है।